इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने Realme के स्मार्टफोन में डिफॉल्ट Realme ब्राउजर को चेंज करके क्रोम ब्राउजर को सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको बता दें कि आजकल जितना भी फोन मार्केट में आ रहा है उसमें एक डिफॉल्ट ब्राउजर पहले से ही सेट रहता है। जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमें फोन के अपने ब्राउजर में ही ओपन होता है। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे अपने फोन में किसी एक लिंक पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक है, चलिए हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो अब ये लिंक हमें फोन के अपने ही ब्राउजर में ओपन हुआ है। तो चलिए आपको यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे इसे कट करेंगे और उसके बाद हम सिंपली यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा कि ये जो फोन में इनबिल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर रहता है उसी में हमारा ये लिंक ओपन हुआ है। लेकिन सुरक्षा कारणों से अगर यहाँ पे देखा जाए तो लोग आजकल गूगल के क्रोम ब्राउजर को यूज करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं और ये सही भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सेटिंग को कैसे कर सकते हैं, यानी कि क्रोम ब्राउजर को कैसे हम डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। अपने फोन में सेटिंग को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना होगा ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन में। आप जैसे ही नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में ऐप मैनेजमेंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है डिफॉल्ट एप्स पे। जैसे ही आप डिफॉल्ट एप्स पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने फिर से यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होगा। तो इस बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउजर ऐप पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउजर ऐप पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपको यहाँ पे दिखा देगा कि अभी आपके फोन में बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर सेट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे फोन में Realme का ब्राउजर ही डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे सेट है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे चेंज करके क्रोम ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट ऐप के तौर पे सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जो ब्राउजर पे यहाँ टिक आउट है, ठीक है, Realme ब्राउजर पे टिक आउट है, उसे हमें चेंज करके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे टिक आउट कर देना है। तो इस तरीके से अब हमारे फोन का जो डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा वो क्रोम ब्राउजर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको यहाँ पे हम एक लिंक पे क्लिक करके भी दिखा देते हैं कि पहले जो हमारा मतलब Realme ब्राउजर में ओपन होता था कोई भी लिंक, तो वो अब क्रोम ब्राउजर में ओपन होता है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे सामने facebook.com का एक लिंक है, तो चलिए हम सिंपली इसी लिंक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस लिंक को ओपन किया तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो हमारा लिंक ओपन हुआ है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हुआ है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे नीचे कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये जो हमारा facebook.com लिंक ओपन हुआ है वो क्रोम ब्राउजर में ही ओपन हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने Realme फोन में Realme के डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज करके क्रोम ब्राउजर को सेट कर सकते हैं।